that happens in the educational sector. And I'm playing the role of a journalist. Okay. I'm just in a cameo, so. But it's a multi-star cast film. Juhi Chawla is there, many other actors are there. So क्या करना चाहेंगे उनके बारे में मुलाकात हुई उनसे बात हुई. अभी I just met Juhi ma'am right now. I'm going to be shooting with her tomorrow. So let's see how it goes. So during the 90s, were you a fan of Juhi Chawla? Of course, we've all grown up on their films. Not just Juhi ma'am, Shabana ma'am also one of the best actresses in the country. She's actually the person who recommended me for this film, so I'm very. But what really made you be part of the film? You're doing a cameo role of a journalist, so. It's just a cameo. It takes 2 days of my life to do, and it's I get to be in an interesting project. That's how I think. A recent film won many acclaims at Cannes. So what do you have to say about it? It won two awards. Yeah, two awards. So what do you have to say about it? How does it feel? I mean, as an actress. It feels great because it's the first film after many, many years, maybe 50 years, to win any awards at Cannes. And it got a 5-minute long standing ovation, so we are very happy. Talking about your future projects, what is it? I'm working on Cabaret at the moment, okay. So thank you. नहीं कुछ था खास तैयारी नहीं की ऑब्जर्वेशन पे आई स्टडीड हाउ जर्नलिस्ट वर्क एंड इट्स अ गुड स्टार कास्ट एंड अ गुड सब्जेक्ट तो इसलिए मैं इसका हिस्सा बनना चाहती थी. शबाना मैम है, जूही मैम है और कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है इसलिए देखने आए ज़रूर. थैंक यू. थैंक यू. वैनिटी में दो आराम से टू हॉट में कर सकते हैं हम लोग. वैनिटी में कर लेंगे ठंडे गाइस. पकड़ के लाऊं आपके लिए. Very scared and also very thin. I wore double. He's 3 years old. जैसा कि आपने देखा ये हॉस्पिटल है. यहाँ पे अभी हम फिल्म चौक एंड डस्टर की शूटिंग कर रहे हैं. शबाना जी हॉस्पिटल में एडमिट है और जूही जी उनको यहाँ पर लेकर आई है. स्कूल में दोनों टीचर हैं और उसी साथ में अभी शबाना जी की बेटी जो बनी है वो आई है यहाँ पे. तो डॉक्टर के साथ का जो इंटरेक्शन है, शबाना जी को आईसीयू में एडमिट किया है, वो सीन चल रहा है अभी. फिल्म पूरा स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट बेस्ड है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपने इंटरेस्टिंग टॉपिक रखा, नाम रखा चौक इंडस्ट्री? मैं आपको बता दूं कि ये स्टूडेंट एंड टीचर बेस्ड स्टोरी नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की स्टोरी है. अच्छा. स्टूडेंट्स क्योंकि टीचर आए तो स्टूडेंट्स आ ही जाते हैं, प्रिंसिपल आ ही जाती है ना, सारे पेरेंट्स भी आ जाते हैं. बट ये कहानी है, सेंट्रल कैरेक्टर्स हमारे स्कूल के टीचर्स हैं. सेकेंडली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो टीचर्स अमानवीय व्यवहार करते हैं बच्चों से, छोटे बच्चों से कॉलेजेस में, तो वो उस पर आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों के साथ उन्होंने? नहीं देखिए, जो बच्चों के साथ अमान्य व्यवहार करते हैं उन टीचरों की संख्या अगर आप काउंट करोगे तो वो हार्डली 2% होगी, जबकि 98% टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, हमें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा करते हैं. उनके बारे में हम उनको रिस्पेक्ट जो देना है, उनको जो ट्रिब्यूट देना है, ये उसकी कहानी है. तो क्या मैसेज देगी, ऑल एग्जिस्टिंग मैसेज क्या है जो लास्टली मैसेज देगी जाएगी ऑडियंस? इस फिल्म में ऑडियंस को लास्टली मैसेज ये है कि आप अपने टीचर को जो भूल चुके हैं, मगर आपको पूछो कि आपको पहली टीचर कौन सी थी जिसने आपको ABC सिखाई, बिल्कुल मुझे याद है, आपको याद होगा, उनको याद नहीं होगा, है ना. ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपनी पहली टीचर याद नहीं है, तो हम उन्हें कल आप मेरा नंबर लेंगे, मैं आपका नंबर लूँगा, तो आप मुझे गुड मॉर्निंग विश करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे, हैप्पी दिवाली विश करेंगे. क्या हम हमारी टीचर को कभी हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी दिवाली विश करते हैं? नहीं करते. हम भूल चुके हैं हमारी टीचर्स को. तो उन टीचर्स को जिन्होंने हमें पढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया, उन्हें याद दिलाने की कोशिश है, उन्हें रिस्पेक्ट दिलाने की कोशिश है ये फिल्म. सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी? ये हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर है मिस्टर अमीन सुरानी. आपने क्या देखा फिल्म के अंदर, क्या कॉन्सेप्ट देखा कि आपने फिल्म को प्रोड्यूस किया? क्योंकि एक प्रोड्यूसर जब पैसा लगाता है तो पहले तो स्टोरी और स्क्रीन प्ले देखता है, तो क्या क्यों आपको लगा कि मुझे इस फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहिए? मैंने जो देखा है सर को देखा,
दैट्स ऑल। स्टोरी और स्क्रीन प्ले पे ज्यादा जोर नहीं। सर ने स्टोरी बोली जी, हम बड़े भाई जैसा है, बस हमने कर लिया, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा। चलिए थैंक यू वेरी मच सर। अरे मैम थोड़ा सा पीछे अरे दादा पेड़ जाओ अंकल। अरे दोस्त ना स्ट्रेट जी मैम सामने मैम स्ट्रेट मैम स्ट्रेट जी मैम राइट में मैम स्ट्रेट राजू आपको मिलने आया मैम सामने इतने सारे आज जो आ गया अभी तो रिलीज बाकी है पिक्चर कंप्लीशन बाकी है जी जी मैम सामने जी मैम स्टेट मैम सामने मैम स्ट्रेट या जी मैम सामने एकदम सुभाष अरे जल्दी यार सर स्ट्रेट यार सुबह स्ट्रेट आई लव यू स्ट्रेट मैम सामने जो सामने एकदम सारे प्रेस वाले प्लीज बाहर रहे अभी चलो साइड प्लीज। मैंने अभी बोला उसको दो तीन जगह नहीं ये कर रहे हैं ना हो गया फाइट हो रहा है और आप उसको सब बता रहे
क्या जाएगा? पूरा मेरे को भी टाइटल भी अच्छा लगा, स्क्रिप्ट भी अच्छी लगी एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस फिल्म. जैसा कि चौक इंडस्ट्री से क्या याद आता है, स्कूल याद आता है.
कुछ ऐसी है. इट्स अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट द स्कूल्स बिजनेस ऑफ एजुकेशन एंड टीचर्स. It's a very heartwarming script. I mean, at the end you want to get up and clap. It also reminds you of, मतलब आपको याद आता है, आपकी टीचर्स याद आती हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी पूरी ज़िंदगी में. हम कभी अपनी ज़िंदगी में इतना सोचते नहीं कि कौन में आया और हमें कैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया या इंस्पायर किया या उनकी वजह से हम क्या क्या सीखे, कहाँ में कहीं कोई सीईओ बन जाता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कोई एक साइंटिस्ट बन जाता है, कोई कहाँ चला जाता है. तो आपको सिखाया किसने है ये सब, किसने आपको आपकी आपका हाथ पकड़ा, आपको ABCD सिखाई, मैथमेटिक्स सिखाया, आप कहाँ से शुरुआत किए, कहाँ पहुँच गए. This film Chalk and Duster will take you back to those moments and also make you value your teachers. How important it is for you, you know, that aaj ki generation ko bahut zyada education ki zarurat hai, according to you, how important education is? I think agar aap aapki agar basic education ho jaye aur ye education ki value unhe zyada pata hai जो कि कुछ भी सीखे नहीं है, दे आर नॉट एबल टू गेट बियॉन्ड वर्किंग फॉर यू फॉर मीनियल लेबर जॉब्स. उन्हें पता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आप अपने आप को देखिए और आप उनको देखिए, आप कहाँ पहुँच गए, आप कैमराज लेके खड़े हैं, चैनल्स में काम करते हैं, लोग आपकी बातें सुनते हैं, बट जो अनपढ़ हैं वो आपके घर में काम कर रहे हैं, वो आपके रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कहाँ आए कब गए किसी को पता नहीं है. सो यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन आई थिंक व्हेन यू डोंट हैव इट. हमारे आई थिंक इट्स अ सैड रियलिटी कि हमारे न्यूज़ और हमारे न्यूज़पेपर्स अपने पहले पेज पे सिर्फ जो गलत बातें हैं उन्हें छापते हैं और हम उन्हें ही पढ़ते हैं. वो दिलचस्प लगती हैं बातें. अगर आप आपके न्यूज़पेपर ये छप जाए कि 50 लाख स्कूल्स हैं इंडिया में और उनकी 50 लाख टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो ये न्यूज़ बैक पेज पे आएगी. मगर एक टीचर ने एक बच्चे पर हाथ उठाया, उसे मार दिया और सारे पेरेंट्स खड़े होकर उन्होंने इसका विरोध किया, ये फ्रंट पेज की न्यूज़ होगी. सो जहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि ये बात सही है, ये बात गलत है, किसी भी टीचर को या कोई भी घटना को गलत नहीं होना चाहिए, मगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम जो सही बातें हैं, जो अच्छी बातें इस देश में हो रही हैं या इस दुनिया में हो रही हैं, हम उन पर ध्यान नहीं रखते. हम एक गलत बात होती है, हम अपना उस पर ले जाते हैं. सो ऑल आई से इज टीचर्स नर्सेज डॉक्टर्स बहुत ही कमाल का काम करते हैं हमारी ज़िंदगी में. एक हमें पढ़ाते हैं, एक हमें हेल्थ देते हैं. जो डिफेंस में हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए हम आज़ादी से घूमते हैं. पुलिस में जो काम करते हैं, इसलिए हम रात रात को बाहर जाते हैं, लड़कियां बाहर जाती हैं, कुछ नहीं होता. मगर एक गलत घटना हो जाती है तो हम पूरी पुलिस फोर्स को, पूरी डिफेंस को, पूरे सब को हम निगेट कर देते हैं. आई थिंक द फॉल्ट लाइज़ विद अस. जी मैम, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स निकले हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स जो बच्चों को सिखाने का दावा करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स टीचर्स की जो टीचिंग होती है, ट्रेडिशनल टीचिंग होती है, उनको कभी ओवरटेक कर पाएंगे? ये तो वही बात हो गई कि डू यू थिंक अ रोबोट कैन रिप्लेस यू. मतलब आज आप लेकर खड़ी हैं ये माइक्रोफोन मेरे सामने, कल एक रोबोट भी कर सकता है, बट क्या आप में और उस रोबोट में फ़र्क नहीं होगा?
एक होगा, एक आप में जो जान है वो उसमें कभी नहीं होगी। आई थिंक सो लॉन्ग एज वी से कि द पोर्टल इज़ अ टूल, अगर आप ट्यूशन्स पे नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं मगर घर में कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो आप उसका फ़ायदा लेकर कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप में। मगर अगर आप टीचर के पास जा सकते हैं तो आई थिंक दैट विल बी योर फर्स्ट चॉइस, जहां आप एक इंटरेक्शन करना कर सकें, आप कुछ सवाल कर सकें और वो टीचर आपको एज अ पर्सन जवाब दे सके। हाँ, ये हमारी कहानी में एक ट्विस्ट है, एक एक्चुअली संगीन मोमेंट है इस फिल्म में, विच इज़ रियली द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फिल्म एंड द स्टोरी। एंड जब आप फिल्म देखेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू रियली मूव यू। सो आई वोंट वांट टू से टू मच, बट क्योंकि अभी तो हम सॉरी फिल्म की रिलीज़ थोड़ी आगे होगी, जब होगी तो तब मैं और आपको फिल्म के बारे में बताऊँगी, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म एंड अ वेरी सीरियस। हाँ, मेरी टीचर, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भूलते हैं मेरे को तो। अब देखो बचपन की बात है, ये नहीं याद इतनी सारी के हमको पढ़ाया क्या, किसने क्या किया, ये याद ज़्यादा रहता है जब हम बदमाशी कर रहे थे तो हमारी टीचर ने हमारे साथ क्या किया। जैसे कि मैं, मुझे याद आता है कि मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और हमारी एक नन थी, हमें ज्योग्राफी पढ़ाती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी, और एक दिन उन्होंने एक सरप्राइज़ टेस्ट दे दिया। अब मैंने तो थोड़ा बहुत पढ़ाई की हुई थी तो मैं तो ठीक थी, जब मेरी साथ वाले मैं डेस्क में जो मेरे साथ बैठी हुई थी उसको कुछ नहीं आता था, तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प हर इन द टेस्ट, आई एम ट्राइंग टू हेल्प हर, सो आई एम सेइंग सॉफ्टली द आंसर्स। टीचर ने मुझे देख लिया, गेट अप स्टैंड अप आउटसाइड। अरे यार, एक तो टेस्ट में मतलब मैं तो गई, क्योंकि अब मैं पेपर नहीं लिख सकती ना, आई एम गॉन, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। और वो होता ना मर्फीज लॉ कि जो गलत होना होगा वो सही समय पे होगा, मैं बाहर खड़ी हूँ क्लास के, वहाँ से प्रिंसिपल गुजरती है एंड प्रिंसिपल मुझे देख लेती है, आई एम लाइक अब तो पूरे मर गया आज। So these are the lovely little moments, but they stay with you. And I chalk or duster, lovely thing which you just said. Teacher जब professor tag करके, oh out sorry. हाँ, मगर हमारी teacher एक तो I can't remember which one exactly, but it's great fun. जब lesson शुरू होता है और previous lesson थोड़ा ना board पे लिखा हुआ होता है तो the teacher calls you up के चलो you know wipe the board and you very happily go, क्योंकि उसमें 5 मिनट आप गुजार देते हैं board साफ करने में, तब तक वो teacher ने क्या बोला वो notes वोट्स, you miss all that, you enjoy the moment. So I've loved what do I say, wiping the board and keeping it clean. वी हैव अ रेस्टोरेंट विच इज़ कॉल्ड पिज्ज़ा मेट्रो पिज्ज़ा, वो बांद्रा में खुला था एंड वी हैव जस्ट कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले वो टाउन में भी खुला है, तो या दैट्स हाउ आई एम एसोसिएटेड, बट इट्स मोर मेरे हस्बैंड का वेंचर है वो विद सम पार्टनर्स, तो आई थिंक मेरा नाम साथ में छप गया। मैं सिर्फ वहाँ जाकर इंजॉय करती हूँ, पिज्ज़ा खाती हूँ, काम में तो वो लोग मुझे इन्वॉल्व नहीं करते। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ जब से मैंने ये सुना है कि इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ 10 साल पहले मैंने थोड़ा बहुत शुरू किया था और बिगनिंग में लगता था बाप रे कितनी मेहनत है ये,
मगर हर योगा सेशन के एंड में ऐसा लगता था कि दिन शुरुआत हुआ है, चाहे कितने थके हारे आओ और योगा करो, उसके एंड में जो आपको अगर अच्छा टीचर सिखा रहा है, बाय द एंड दे रिलैक्स यू सो मच, आपको लगता है अभी चलो काम, मेरे को बताओ तो सही क्या करना है. सो इट्स अ लवली वे, आई मीन इट्स अ लवली वे टू एक्सरसाइज योर सेल्फ. तो तब से मैंने छोड़ा नहीं, करती रहती हूँ और अब 10 साल हो गए. तो मुझे लगता है मैं तो क्या, हर एक को योगा करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. अरे यार एक तो ख़त्म करने दो, चौक एंड डस्टर ख़त्म हो जाए तो दूसरा भी शुरू कर देंगे. सो या राइट नाउ माई फोकस इज चौक एंड डस्टर. थैंक यू.